मैं शुभम जांगिड, आप देख रहे हैं शुभम जांगिड क्लासेस। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फॉर्मूलाज के अंदर डेट एंड टाइम फीचर के बारे में। तो देखिए यहाँ पे बहुत से फॉर्मूले से बताने के लिए, और मैं आपको इनके सबके मेन मेन जो फॉर्मूले है उन सबके बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं अब डेट एंड टाइम फॉर्मूले। तो देखिए सबसे पहले ये मैं नाउ का फॉर्मूला बताऊंगा। एंड नाउ का फॉर्मूला किस टाइप से काम करता है मैं आपको बताने वाला हूँ, एन और डब्ल्यू। एंड देखिए यहाँ पे ये नाउ का फॉर्मूला क्या करेगा, हमें अभी पूरा टाइम के साथ जो आज की डेट है और जो भी जो टाइम चल रहा है पूरी डिटेल मुझे एक साथ प्रोवाइड करवा देगा। तो ये इस टाइप से मुझे प्रोवाइड करेगा। देखिए 24 आवर्स में टाइम प्रोवाइड करवाता है, तो 13 एंड जो 1 हो रहा है तो इस हिसाब से मेरे को टाइम प्रोवाइड करा दिया है। अब टुडे के में सिर्फ ये मुझे डेट बताएगा, मुझे टाइम प्रोवाइड नहीं करवाएगा। टुडे का फॉर्मूला भी वही है, उसी टाइप से लिखना है आपको। तो ये इस प्रकार से, चलिए ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक अपना अलग एक टाइम लिख देता हूँ, यू नो 14, 20 एंड 56। और ध्यान रखिए ये जो टाइम लिखा है इसको टाइम जब तक काउंट नहीं करेगा तब तक आप इसको होम पे जाके कस्टम से इसको टाइम फॉर्मेट में नहीं करेंगे जब तक। तो अब टाइम फॉर्मेट में कर दिया मैंने इसको, थोड़ा सा सेल को बढ़ा कर लेते हैं। तो ये अपने आप एक टाइम बना लिया कि 2:20:56 PM। तो ये हमारे पास टाइम आ चुका है। तो इस टाइप से अब हम इनसे हावर मिनट और सेकेंड्स निकाल सकते हैं इस टाइम से। तो वो कैसे निकालना है आपको, इक्वल्स टू करिए फिर जैसे हावर का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि हम हावर निकाल रहे हैं अब ये इसको एक प्रकार से सीरियल नंबर ही बोलते हैं। तो ये इस टाइप से इसने लगा दिया कि ये 14 घंटा चल रहा है, यानी कि 14 आवर चल रहा है। मिनट भी अब इसी टाइप से निकालना है आपको, तो मिनट MNUTE मिनट एंड सीरियल नंबर यानी कि आपका जो टाइम होता है वो इसको वापस से ब्रास इसको बंद कर दीजिए। और सेकंड भी इस टाइप से निकलता है। तो ये तो मैंने बता दिया आपको मिनट हावर सेकंड। एंड सेकंड में देखिए आपको सेकंड इक्वल सेकंड लगा के फिर इस टाइप से टाइम निकालना है। शीट 3 पे जाते हैं एंड एक बार मैं सबको क्लोज करता हूँ क्योंकि डिलीट कर देता हूँ। हाँ अब मैं आपको इनके सबके बारे में बताने वाला हूँ बिकॉज। तो स्टार्ट करते हैं कि डे से। तो देखिए अब यहाँ पे मेरे पास अगर डेट्स डी हुई है, अब इन डेट से मैं डे निकाल सकता हूँ। जैसे ये 14 डे है, 29 डे है, 25 डे है, इसमें 7 डे है, क्योंकि ये पहले मंथ आ रहा है फिर डेट आ रही है, यानी कि डेट का डे आ रहा है। ये पहले मंथ है फिर डे है फिर ईयर है। तो इस टाइप से मैं पहले डे निकालूंगा, तो इक्वल्स टू DAY एंड जो मेरा सीरियल नंबर है मुझे इस बार से इसमें टाइप कर देना है, जो कि मेरा डेट नंबर है एक्चुअली। इस टाइप से देखिए मैंने ये टाइप कर दिया है। एंड अब इसको मैं ऐसे कर्सर को मैं अपना जहाँ पे चाहूँ वहाँ पे ले जा सकता हूँ, चलिए ठीक है। लेकिन मेरे को डे का नेम चाहिए, यानी कि डे का नेम मंडे है, ट्यूसडे, इस दिन मंडे था, ट्यूसडे, वेनेसडे था, फ्राइडे था, सैटरडे था या संडे था। तो इस टाइप से मुझे अपना डे का नेम चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है आपको, इक्वल्स टू टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट लिख के सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, कोमा लगा देना है एंड इन्वर्टेड कोमास में जैसे आप डे ढूंढ रहे हो 3 बार डेज लिख दीजिए। तो ये अब देखिए सैटरडे था तो सैटरडे आ गया है, लेकिन ये सैटरडे सिर्फ सेट तक लिखा हुआ आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि पूरे ये पूरे फंट में लिखा हुआ है, यानी कि पूरा सैटरडे नेम लिखा हुआ, ओनली 3 फंट्स में आ रहा है, तो 3 करेक्टर्स में आ रहा है। तो अगर मुझे पूरा करेक्टर चाहिए तो मैं 4 बार इसको डी कर दूंगा। तो ये अब देखिए पूरा आ गया है सैटरडे। एंड अब इसको हम ड्रैग कर लेते हैं इस टाइप से। तो चलिए ठीक है, सैटरडे इस दिन संडे था, इस दिन फ्राइडे था, इस दिन भी फ्राइडे था, इस दिन मंडे था। तो ये पूरा हमें कैलकुलेट करके ऑटोमेटिक बता दिया है। अब मंथ निकालना है, तो मंथ के लिए भी वही है, पहले हम मंथ को डिजिट्स में निकालेंगे, यानी कि नंबर्स में निकालेंगे कौन सा मंथ है। तो इस टाइप से, तो ये देखिए 4th मंथ है क्योंकि स्टार्टिंग में आ रहा है, देखिए 4 इस टाइप से। तो ये देखिए इसको इस टाइप से करके आप इस टाइप से ड्रैग कर सकते हैं। तो ये इस टाइप से ड्रैग कर लेंगे तो ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन अगर आपको मंथ का नेम चाहिए तो उसके लिए फिर फॉर्मूला है, टेक्स्ट लिखिए, टेक्स्ट लिख के, सॉरी गाइस माफ कीजिएगा मेरे को, हाँ टेक्स्ट लिख के इसके अंदर आपको करना है क्या, जो सीरियल नंबर यानी कि आपकी वैल्यू जो है इसको लीजिए। एंड यहाँ से इस बार आपको मंथ लिखना है, MMM लिख दीजिए। देखिए फर्स्ट तो MMM मतलब सिर्फ 3 करेक्टर शो कर रहा है, लेकिन अगर मुझे फुल करेक्टर शो करना है तो 4 बार M लिख दीजिए, यानी कि M4 मंथ। तो अब मुझे ये पूरे जितने भी करेक्टर्स होंगे सारे शो करेगा। तो देखिए अप्रैल अप्रैल में, सेप्टेम्बर सेप्टेम्बर, दिसंबर जनवरी, मार्च मार्च, फेब। तो ये पूरा मेरे को शो कर रहा है। चलिए अब ईयर्स में आते हैं, ईयर्स में इंटरेस्टिंग है काफ़ी। तो ईयर्स के अंदर सीधा ईयर लिखिए एंड सीरियल नंबर। देखिए ईयर FRC का भी फॉर्मूला है फ्रैक, जो कि आपको रिटर्न ईयर देता है, लेकिन उसको छोड़िए इतना यूजफुल इतना काम नहीं आएगा आपके फ्यूचर में, उसको मैं स्किप कर रहा हूँ इसलिए। तो ईयर ये देखिए इस टाइप से लिख दीजिए, तो इसमें ये ईयर काउंट करके बता देगा कि ये वाला ईयर था। सो ईजिली वेरी ईजी फॉर्मूला 2:22 देखिए 16 तक। तो ये पूरा सब कुछ बता दिया है। अब आते हैं डेट के ऊपर। तो यहाँ से मैं देखिए डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ मेरे अनुमान से, यू नो
लेकिन सबसे पहले देखिए, अगर मैं ये डेट लिखता हूँ, मैं एक कोई भी डेट, आप तो डायरेक्ट जाए तो सीधा फॉर्मूलाज पे जाके आप इसको ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, डेट एंड टाइम में जाके, डेट में जाके, तो आपको ये थ्री वैल्यूज देगा। पहले आप ईयर टाइप कर दीजिए, उसके बाद में मंथ टाइप कर लीजिए, और उसके बाद में एक डे टाइप कर दीजिए। तो ये मुझे कुछ वैल्यूज़ दे रहा है, लेकिन ये वैल्यूज मैं चाहता हूँ कि ये स्पेशली ये जो वैल्यूज है वो सीरियल नंबर में आए, तो ये मैं सीरियल नंबर में भी ला सकता हूँ किस टाइप से। तो देखिए, होम पे जाइए एंड आप जनरल पे क्लिक कर दीजिए, तो ये जो है वो सीरियल नंबर में आ गई। और अगर आप इसको डेट फॉर्मूले में चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि ये डेट में वापस हो जाए, तो शॉर्ट डेट कर दीजिए, तो ये डेट में हो जाएगी। तो इस टाइप से आप इसको डेट में कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो देखिए, इस मंथ का हमें लास्ट डे निकालना है, स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है ई ओ मंथ का, कौन सा, इक्वल्स टू ई ओ मंथ। ये इसका फॉर्मूला है, बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। इसमें आपको स्टार्ट डेट, यानी कि ये स्टार्ट डेट है, और आपको अगर इसी मंथ का लास्ट डे निकालना है तो जीरो लिख दीजिए। अब ये इसी मंथ का लास्ट डे निकाल देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब, लेकिन यहाँ पे देखिए, हमने डेट फॉर्मूला सेलेक्ट नहीं कर रखा है, इसलिए ये हमें अलग अलग टाइप से सीरियल नंबर्स में रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये हमें रिजल्ट डेट में प्रोवाइड करे। देखिए, सबसे पहले हमें जो सेल है उसको शॉर्ट डेट के अंदर करना पड़ेगा। तो अब हमें डेट में रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, तो इक्वल्स टू जाके वापस से वही फॉर्मूला लगाइए, ई ओ मंथ, एंड आपको जो हमारी है, और हमें चाहिए कि इसी मंथ का रिजल्ट चाहिए, तो जीरो लिख दीजिए उसके आगे। तो ठीक है, अब देखिए इसी मंथ में जो लास्ट डेट होगी वो 30 होगी, तो इसने बता दिया है कि 4/30/2012। अब ये हमें पूरा रिजल्ट दे रहा है कि इस मंथ में ये होगी, जैसे ये है यहाँ पे 18 नवंबर है, तो यहाँ पे दे रहा है कि 13 नवंबर इसकी लास्ट डेट होगी। मई जो होता है वो 31 डेज का होता है, तो आप 31 डेज बोल रहे हैं। जो फेब 2016 है, 2016 लीप ईयर होता है, और लीप ईयर में 29 डेज होता है, तो 2016 का जो फेब होगा वो 29 डेज का होगा। तो इस टाइप से इन्होंने अपना ये एडजस्टमेंट कर रखा है, लास्ट डे ऑफ द मंथ ये कैलकुलेट कर देता है। अब आते हैं ना, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि चलिए, तो मैंने लास्ट डेट मैं इस मंथ की हूँ जिस मंथ में मैं हूँ, लेकिन मुझे चाहिए कि 2 मंथ्स बाद की क्या होगी, या 1 मंथ बाद की क्या होगी, तो उसके लिए भी मुझे ये फॉर्मूला सेम लगाना है, ई ओ मंथ। ध्यान रखिए ये ई है, यहाँ पे ओ भी लगाना मत भूलिए, तभी ये फॉर्मूला वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, ई ओ मंथ स्टार्ट डेट। अब मुझे 2 मंथ बाद का जानना है, तो 2 कर दीजिए। अब ये 2 मंथ बाद के मेरे को रिजल्ट शो करेगा सब में। तो ये देखिए, यहाँ पे अप्रैल था, और यहाँ पे 6 हो गया है मंथ, यानी कि जून हो गया है, और जून का आखिरी जो मंथ होता है 7th होता है। यहाँ पे मई जो वो 30 डेज 30 होता है जून का, जो आखिरी वो 30 डेज का होता है, तो 30 उसका आखिरी डे होता है। इस प्रकार से ये हम मई पे है, और मई के अंदर जो लास्ट जो मई से जो 2 मंथ बाद में आता है वो जुलाई आता है, देखिए 7th मंथ, एंड उसमें जो डेज होते हैं वो 31 डेज होते हैं। तो इस टाइप से अगर आप पीछे जाना चाहें तो पीछे भी जा सकते हैं। मान लीजिए मुझे 1 मंथ पीछे जाना है, तो जैसे मैं इस पे जाऊँगा एंड इस पे जाके मैं -1 कर दूंगा। अब मैं 1 मंथ पीछे आ जाऊँगा, इसको वापस मैं ड्रैग कर दूंगा इसी टाइप से, ताकि ये इस पे रिप्लेस कर दे। तो देखिए, अब ये मैं 1 मंथ पीछे आ गया हूँ, जहाँ पे मैं अप्रैल में था, और देखिए यह मार्च में पूछ चुका हूँ। तो इस टाइप से हम इनको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब हम हमारे एक ओरिजिनल फॉर्मूले पर आ जाते हैं, यानी कि जिस मंथ में है उसी मंथ के बारे में आ जाते हैं हम इस टाइप से। ऐसा आता है वेस्ट है, इसका मतलब क्या है कि इसी मंथ में जो आपकी डेट है उसके जस्ट 1 मंथ बाद में कौन सी डेट होगी। तो इस टाइप से कैलकुलेट होता है, बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आता है वो ई डेट से होता है, ई डेट स्टार्ट डेट, और आपको कितने मंथ के लिए चाहिए, तो मैं बोलता हूँ 1 मंथ। तो स्टार्ट कर देते इसको। तो देखिए, 1 मंथ बाद में हमारे पास ये डेट आएगी। तो देखिए, ये डेट हमारे पास आने वाली है मई में, यहाँ पे अभी है 14 अप्रैल, और जस्ट 1 मंथ बाद में 14 मई हो जाएगा। तो यहाँ पे 29 अप्रैल है, और जस्ट 1 मंथ बाद में 29 मई हो जाएगा। चलिए इसको ठीक है, इसको हम 2 मंथ पीछे कर लेते हैं इस फॉर्मूले को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, क्योंकि हम इससे पीछे भी जा सकते हैं। अगर हमें पहले की डेट देखनी है तो पहले की भी देख सकती है। देखिए, ये इस टाइप से हो गया है। अगर हम पहले की देखना चाहते हैं तो पहले की भी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे अप्रैल है, और इसके जस्ट अगर 2 मंथ बिफोर जाना है तो हमें यहाँ पे मई हो जाएगा, माफ कीजिए, अप्रैल में फेब हो जाएगा। लेकिन अगर हमें उसी मंथ में रहना है तो हम उसी मंथ में भी रह सकते हैं जीरो, लेकिन इसका यूज कोई मतलब का नहीं है वैसे,
क्योंकि वो तो हमें डेट ऑलरेडी मिल रही है, ये इसे कैलकुलेट करने के लिए है कि 2 मंथ बाद में इसी दिन का अगर हमें डेट जाननी है तो हम वो डेट जान सकते हैं। तो ये इस टाइप से ये काम, ये फॉर्मूले का यूज किया जाता है। तो इस टाइप से मैंने इनको भी कर दिया। अब इंटरेस्टिंग फॉर्मूला आ गया है एक और वीक नंबर का। गाइस ये मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। तो इक्वल्स टू वीक नंबर से देखिए आपको सीधा क्या करना है, वीक एन यू एन यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक कर देना है, सीरियल नंबर लेना है, चलिए, और रिटर्न टाइप में आप इसको ब्लैंक ही छोड़ दीजिए। तो ये देख बता देगा कि ये 15वां दिन है इस मंथ का, या आपको 15वां वीक है, तो ये हर मंथ का आपको वीक बता देगा, इसी हर ईयर का, माफ कीजिए, तो ये हर ईयर का आपको वीक बता रहा है। तो ये देखिए ये 11 नवंबर है तो 45 वीक हो गया, 29 फेब है तो ये 10वां वीक हो गया। तो अगर हमें वीक कैलकुलेट करना है हर ईयर का तो हम इस वीक नंबर फॉर्मूले के थ्रू काउंट कर सकते हैं। चलिए ये फॉर्मूला भी हो गया है, अभी भी खूब फॉर्मूले बचे हैं। तो शीट टू पे हमारे पास जो कुछ ये एडवांस फॉर्मूले बचे हैं जो कि हमने अभी तक किए नहीं है, इन एडवांस फॉर्मूले के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो ये यहाँ पे मैंने स्टार्ट डेट और एंड डेट कर रखी है क्योंकि हमें अब इन फॉर्मूले में सबकी इनकी जरूरत पड़ने वाली है। स्टार्ट डेट यह और यह है एंड डेट, चलिए ठीक है। तो देखिए अब हम सबसे पहले काउंट करेंगे नेटवर्क डे, या ऊपर वाला हमने सब कुछ काउंट कर रखा है तो हमें नेटवर्क डे काउंट करना है। इक्वल्स टू एन ई टी नेटवर्क डेज। अब इसमें मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे स्टार्ट डेट चाहिए, एंड डेट चाहिए और हॉलीडेज चाहिए। तो स्टार्ट डेज जो मुझे आएगी, देखिए किस टाइप से आएगी, ये मेरी स्टार्ट डेट है, इसके बाद मुझे कोमा लगा देना, ये मेरी एंड डेट है, यानी कि मेरी प्रोजेक्ट जो भी मैं काम कर रहा हूँ या फिर मैं जो वर्क किया हूँ, मुझे उनका नेटवर्क डेज निकालने के लिए मेरे पास ये क्राइटेरिया है। तो उसके बाद में हॉलीडेज, ये देखिए ये हॉलीडेज को आपको कैसे सिलेक्ट करना है, कोमा लगा के ऐसे ट्रैक कर लीजिए और उनको सिलेक्ट कर लीजिए, यानी कि B11 टू लेके B19 तक मेरे हॉलीडेज है, एंटर कर लीजिए, यानी कि 555 डेज ये थे नेटवर्क डेज। अब नेटवर्क डेज इनिशियल्स पे आते हैं, तो ये भी एक इजी सा फॉर्मूला है गाइस, इसमें नेटवर्क डेज इस पे जाइए, इसमें आपको वीकेंड भी काउंट करने का मौका मिलता है कि आपके वीकेंड आप कौन कौन से रखना चाहते हैं। तो इस टाइप से आपके जो डेज है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपके। तो स्टार्ट डेट पे क्लिक करते हैं हम, सबसे पहले ये हमारी स्टार्ट डेट है, उसके बाद में ये हमारी एंड डेट है ये, एंड अब इसके बाद में हमको क्या काउंट करना है, वीकेंड। तो वीकेंड में देखिए हम क्या क्या कर सकते हैं, सैटरडे एंड संडे, एंड मोस्टली जो होती है वो 5 डेज का ही होता है वीकेंड, लेकिन हम यहाँ पे ओनली संडे काउंट करेंगे, यानी सिर्फ हमें संडे का वीकेंड मिलता है, वीकेंड सिर्फ जो हॉलीडे होता है वो संडे का आ रहा है और मोस्टली जगह यही होता है, तो संडे ओनली कर दीजिए, ये आपका वीकेंड है। चलिए संडे देखिए आपका जो वर्क है, सैटरडे संडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनेसडे, वेनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, संडे ओनली, फ्राइडे ओनली, ओके संडे ओनली, सैटरडे संडे, चलिए 2 डेज क्या वीकेंड में 2 डेज की छुट्टी आ रही है सैटरडे एंड संडे। अब इसके अलावा एक चीज़ और है, अब हमको करना है हॉलीडे सेलेक्ट। तो इस टाइप से मैंने हॉलीडे सेलेक्ट कर लिए अपने, एंड अब मुझे इसको बंद कर देना है। तो मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है सेम आ रहा है क्योंकि उसने भी संडे और सैटरडे ही काउंट कर रखा था जो नॉर्मल एडवांस। तो मुझे ऐसे क्या क्या करना है, यहाँ पर मुझे वीकेंड जो है वो चेंज करना है। तो एक बार हम पीछे जाते हैं, एंड वीकेंड में ओनली संडे करूँगा, तो संडे मैंने कर दिया है वीकेंड में, एंड हॉलीडेज में ये लीजिए अब डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है, मैंने 665 डेज काम किया है क्योंकि इसके अंदर मेरा जो वीकेंड था वो सैटरडे और संडे दोनों था नेटवर्क डेज के अंदर, लेकिन नेटवर्क डे इनिशियल में मैंने चेंज किया क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट था, ये जो नेटवर्क डेज में था वो बाय डिफॉल्ट वीकेंड काउंट करता है जो कि सैटरडे एंड संडे को करता है, और नेटवर्क डे में क्योंकि मेरे को मैनुअली करना था तो मैनुअली मैंने सिर्फ ओनली संडे को कर दिया, इसकी वजह से मेरे जो वर्क डेज है वो बढ़ गए। अब आता है वर्क डेज। तो वर्क डेज में देखिए फॉर्मूला है कितने दिन आपने वर्क किया, बहुत इंटरेस्टिंग है। वर्क डे पे जाइए सीधा, वर्क डे स्टार्ट डेट लिखिए आपके प्रोजेक्ट की, स्टार्ट डेट क्या है, तो स्टार्ट डेट जो मेरे प्रोजेक्ट की है वो ये है, और एंड डेट जो, अब मुझे यहाँ पे डेज काउंट करने है कि मैंने कितने दिन काम किया। मैं ये नहीं बोल सकता कि ये मेरे डेज थे तो मैं लाइक 200 डेज में बोल देता हूँ यहाँ पे, इसके बाद में मेरे हॉलीडेज ये थे इन डेज में, तो ये एक डेज बता देगा कि किस डेट को मेरा एक जो प्रोजेक्ट है वो ख़त्म हो रहा है, सीरियल नंबर दे रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए डेट, तो ये मेरी एंड डेट बता देगा कि मेरी
जो मेरा जो काम खत्म हुआ, मैंने स्टार्ट किया था 12/12/2013 को, और वो जो खत्म होगा वो 9/18/2014 को वो खत्म होगा। तो इस टाइप से ये काम करता है। अब वर्क डे इनिशियल, तो इस पे काम करते हैं। वर्क डे इनिशियल स्टार्ट डेट, चलिए वीकेंड हॉलीडेज, चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट डेट जो मेरी प्रोजेक्ट की है वो ये है, मैंने 180 डेज काम किया है, वीकेंड मुझे काउंट करना है इसमें, और मेरे जो वीकेंड्स आए वो आएंगे संडे ओनली, मैं हर संडे यहाँ से हट जाएगा, संडे इज़ अ वीकेंड डे फॉर मी, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। एंड अब मेरा ये जो है हॉलीडे, इसको मैं इस प्रकार से काउंट कर पाऊँगा। तो अब देखिए इसके ये यहाँ पे भी एक सीरियल नंबर आ रहा है, तो मुझे ज़रूरत है इसको मैं डेट में कन्वर्ट कर लूँ। तो देखिए इस हिसाब से अगर मैं काम करता हूँ तो ये मेरा July 10, 2014 को मेरा प्रोजेक्ट खत्म होएगा, क्योंकि इसने जो हॉलीडे ये थोड़ा जल्दी खत्म होएगा इससे, क्योंकि इसमें जो हॉलीडेज वीकेंड थे वो बाय डिफॉल्ट वीकेंड थे, इसमें सैटरडे एंड संडे दोनों थे, और यहाँ पे मैंने सिर्फ ओनली संडे वीकेंड किया है, जिससे कि सैटरडे है वो मेरे ऑफ्स हो गए, जिससे कि मुझे मेरा प्रोजेक्ट है वो जल्दी थोड़ा खत्म हो जाएगा। अब है डेज 360 जो कि लास्ट फॉर्मूला है, तो ये कैसे करना है आपको, डेज 360 एंड ये आपको डेज के बीच का डिफरेंट बताता है, कुछ ही नहीं है। तो स्टार्ट डेट एंड ये है मेरी एंड डेट, और ये यहाँ से लेकर यहाँ से बता देगा कि टोटल कितने डेज है, तो 170 डेज का डिफरेंट है इस डेट से लेकर उस डेट के बीच में। तो मैंने आपको पूरा बता दिया है फॉर्मूलेज में डेट एंड टाइम के बारे में, अगले आने वाली वीडियो में आपको लुकअप एंड रेफरेंस के बारे में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए शो में जाकर क्लासेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्यूरीज है, तो आप इस चैनल पे कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। और अगर आप इस चैनल की नई वीडियो से अवेयर रहना चाहते हैं तो प्लीज गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो फेसबुक और ट्विटर ही, मेरा फेसबुक पेज की लिंक www.facebook.com/shubhamjahangir05, और मेरा जो ट्विटर हैंडल है वो @shubhamjahangir है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए शुभम जहांगीर क्लासेस।